पानी, लाल पानी, खुजली, शाम में दर्द, पेट में दर्द, ऐसा कुछ है, तो उन सब के लिए मैं आपसे चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर हर हफ्ते में सोमवार और शनिवार को ऐसे कैंप होता है। कैंप में ऐसे हम कैंसर की जो जागृति वो भी करते हैं, और जो आपको दवाई बताएंगे वो दवाई नीचे से मिल जाएगी। अभी आप जो पर्ची बनवाते हैं दवाई की, वो दवाई ले लेना नीचे से। और इस दौरान हम लोग क्या करते हैं, कुछ जाँचें करते हैं, इससे ये पता चलता है कि समय से पहले अगर आने वाले समय में कोई आपको लोग बोलते हैं अरे बाहर गर्भाशय में कटा ना गई, कैंसर नहीं हो जाए, तो कैंसर का जो डर दिमाग में घुसाते हैं ना, हम उस डर को निकालते हैं। मतलब हम ये जांच करके ये बता देते हैं आपको कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं है, तो पेपर संभाल के रखना है, और साल दो साल तीन साल जब अस्पताल आए तो उस कागज को लेके आना, ये करना होगा, ठीक है, समझ में। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ। एक तो आपको क्या करना चाहिए कि महीने की तारीख फिक्स कर लो, जैसे एक महीने की एक तारीख आपने पकड़ ली, तो एक तारीख को अपने स्तन को, अपने जो ब्रेस्ट के स्तन को ऐसे दबा के देखना कि कहीं कोई गिल्टी तो नहीं लगती। अगर तुमको बगल में या बगल में ऐसे कहीं गिल्टी लगती है तो आपको आके हम लोगों को बताना है, हम डॉक्टर्स को बताना है कि हमको छाती में गिल्टी लग रही, देख लो कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि 90% गिल्टी बेकार ही, मतलब कोई उसका टेंशन नहीं रहता है ना, कैंसर नहीं, पर कुछ कुछ केसेस में हो सकता है, तो वो बताएगा कौन ये है, तो आपको हमें बताना है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ सफ़ेद पानी, लाल पानी, पीला पानी, बदबूदार पानी, खुजली होना, पति से मिलने से संभोग होना है ना, या महीना बीच बीच में आ जाना, पेट में नीचे की तरफ दर्द होना, बहुत ज़्यादा कमर दर्द होना, इस तरह की अगर कोई समस्या है तो भी आके ये जो डॉक्टर लोग सब आपके साथ बैठते हैं, आपकी जब समस्याएं पूछते हैं तो ये वाली समस्या बतानी है। हमारे यहाँ पैप्समियर और वीआईए की जांच फ्री होती है, तो पैप्समियर और वीआईए की जांच में ये पकड़ के आता है कि कुछ आपको कोई बीमारी तो नहीं आने वाली, जिसको हम सीआईएन बोलते हैं, जो कैंसर की प्रारंभिक अवस्था, उसकी परीक्षण होता है, और अगर उसकी कोई संभावना लगती है तो हमारे ये सारे मेरे जो साथी डॉक्टर हैं ये लोग आपकी दूरबीन की जाँच करते हैं, तो दूरबीन की जाँच में और क्लियर हो जाता है, जिसको कल्पोस्कोपी कहते हैं, कि बीमारी है या नहीं। तो हमारे देखने में ये आता है कि अगर हम 100 जांच करते हैं तो मुश्किल से 5-6 लोगों में कुछ निकलता है, 95% पेशेंट्स को कुछ नहीं होता है, लेकिन हमने ये देखा ये है कि लोग डरते जा रहे हैं, 95% डर डर के उनका आधा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि भाई मुझे कुछ है तो नहीं, मुझे कुछ है तो नहीं, क्योंकि दिखता नहीं है, शरीर के अंदर में दिखाई नहीं देता, डॉक्टर ही देख सकता है, तो वो सब जाँचें हैं। ये सरकारी अस्पताल है, और यहाँ पे यहाँ एक चीज़ है कि इस अस्पताल में हमारे यहाँ समय थोड़ा लग जाता है, जैसे काम करते वक्त में समय लग जाता है, लेकिन काम सही है, तो आप यहाँ का जो पेपर होता है उसको संभाल के रखिए, और मन में अगर आपको कोई डाउट रह जाए कि छोटे डॉक्टर से बात हो गई, या मन में कोई शंका रह गई, तो इस तरह के सब बड़े मैडम लोग खड़े हैं, इन मैडम लोग को पहचान लीजिए, आप इन लोग से पूछ सकते हैं। हम भी मिलते हैं सर सोमवार के दिन में यहाँ पर मिलते हैं, मेरा नाम डॉक्टर कविता सिंह, मैं यहाँ के बड़ी मैडम हूँ, तो इस तरह की एक्टिविटी हमारे 20 साल से चल रही है, तो हमारे सब लोग करते हैं काम, और किसी दिन भी आ सकते हैं आप, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा हम लोग मंडे और सैटरडे में थोड़ा ज़्यादा इस विषय में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करूँ। तो आप अपने जैसे पड़ोसन है या कोई भी, जिस भी महिला को, जो भी महिला 40 से 60 के बीच की है या 35 से 60 के बीच की है, वो ज़रूर सी जांच करा लें, और एक बार अगर हमारे डॉक्टरों ने कह दिया आपको कुछ नहीं है, तो मान के रखिए कि कुछ नहीं, और उसके बाद भी मन में कुछ रहे कि ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ संतुष्टि नहीं है, तो वापस आके बताना, वापस आके कुछ भी एक बार, और गर्भाशय निकालना नहीं, समय के पहले गर्भाशय नहीं निकालना, समय के पहले गर्भाशय निकालने से कमजोरी आ जाती, हड्डियाँ खोखली हो जाती, तो ऐसे नहीं बच्चा रहे सबने निकलवाया, उसने प्राइवेट में निकलवाया, उसने निकलवाया, तो सब पीछे लग गए पति के कि हमारा गर्भाशय निकाल, नहीं निकाल, पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं निकल पाई, ठीक है। आपके मन में कुछ विचार है तो मुझे हाथ ऊपर करके पूछिए, हम में से कोई भी आपका जवाब देंगे। किसी को कुछ मन में पूछना है, मन में विचार है, आप क्या करना, वापस से 5-5 के ग्रुप बनाओ और वहाँ खड़े हो जाओ, और वहाँ से 5-5 लोगों की आपकी पैप्समेयर और वीआईए जांच होगी, अगर पॉजिटिव होगा तो आपकी दूरबीन की जांच होगी, और जो ज़रूरी दवाई है वो डॉक्टर आपको लिख देंगे, वो दवाई अच्छे से लेना, और जो रिपोर्ट होती है वो 15 से 20 दिन में आती है, फिर आगे जब कभी आओगे तो आप सोमवार में आके फिर लेना, शनिवार को आओ तो शनिवार की शनिवार को लेना, मंगल को आओ तो मंगल की मंगल, मतलब चक्कर नहीं लगेगा, जैसे जिस दिन आते हैं ना पहली बार
उसी दिन अगली बार उसी दिन पे आ जाए, उससे काम आपका सरल थोड़ा थोड़ा सरल हो गया। किसी को कुछ और पूछना है? हाँ बोलिए।